सोच क्या रहे हो तुम दोनों? खंडे राव अहिल्या माले राव वैसे ईश्वरी सिंह के कब्जे में है। सोचो अगर बड़ी रानी साहिब को अगवा कर ईश्वरी सिंह तक पहुंचा दिया गया तो तुम दोनों को कितना बड़ा इनाम मिलेगा। सोचना बंद करो, वाड़े से बाहर निकलने का रास्ता हम तुम्हें दिखा देंगे। और कुछ गलती हुई तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चलो। जब ये दोनों बड़ी रानी साहिब को अगवा करने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जी निमित जी, छोड़िए छोड़िए इन दोनों को, हम आपसे कह रहे हैं छोड़िए इन दोनों को। नहीं गुरु जी, सरदार इन्होंने हमारे रानी साहब को मारने की कोशिश की है, तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन्हें तो निमा जी छोड़िए इसे, निमा जी छोड़ दीजिए इन दोनों को, छोड़ दीजिए निमा जी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उन्हें। सिपाही सिपाही, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना रानी साहब, मैं तो अपने वफादारी निभा रहा था और ये मेरे क्रोध पे मेरा बस नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए रानी साहब। चाहे तो मुझे आप कोई भी सजा दीजिए, कोई भी सजा दीजिए। बेशक आज हम उस गद्दार का नाम जानने से वंचित रह गए हो, लेकिन आपके रूप में आज हमें एक सच्चा वफादार मिला है। हाँ नेमा जी, सासु भाई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नेमा जी, आपने बड़ी रानी साहिब ने मालवा के ताज की रक्षा की है, इनाम के हकदार तो आप अवश्य हैं। नेमा जी मांगिए जो आपको मांगना है, क्या चाहते हैं आप? मैं तो एक पहलवान आदमी हूं और मुझे पहलवानी के सिवा बाकी कुछ आता ही नहीं, और मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। ये सब जो भी हुआ वो आई साहब की वजह से हुआ, और अगर वो मुझे उसी समय वहीं बचा लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझे दुश्मन के कब्जे में देखने के बाद भी वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। वो इसीलिए माले रहो क्योंकि तुम्हारी आई साहब सही समय का इंतजार कर रही थी। किसी भी युद्ध नीति में समय की सही पहचान और उस समय का सही उपयोग माले रहो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, एक कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे की रणनीति अपनाकर चलना पड़ता है मदिरा। हर समय केवल वार करना काफी नहीं होता, कभी कभी
एक कदम पीछे हटके वार को बचाना भी पड़ता है। तुम्हारी आई साहेब का तुम्हें वहां देखकर पीछे हट जाना उसी रणनीति का हिस्सा था और उन्होंने वही किया माले राव। लेकिन गलत किया। अगर उसी बीच मुझे कोई मार देता तो? मार देता क्या, वो तो बस मुझे मारने ही जा रहा था। नहीं माले राव। नहीं बाबा साहेब, आई साहेब ने जो भी किया वो गलत था और उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। माले राव, बाबा साहब अब तो बहुत चोट लगी है। हाँ मुक्ता, लगी तो है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, ऐसे ऐसे तरह से उसे खूब मारूंगी जिसने आपको तकलीफ दी है। आइए आपको लेप लगा कर देती हूँ। अंदरूनी चोट लगी है अहिल्या, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अब अभी जख्म पर मलहम लगा लीजिए, मैं वैद्य जी को बुलावा भेजती हूँ। हाथों में तो जादू है अहिल्या, हर दर्द को इतनी आसानी से खींच लेती हो। हो सकता है, लेकिन खुद अपने दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या हुआ अहिल्या, कहीं तुम्हें भी चोट लगी है क्या? छोटी सी पिताजी, आपको तन पर अंदरूनी चोट लगी है और मुझे मन में अंदरूनी चोट लगी है, और वो चोट कोई और नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।